Assalamualaikum everyone. Assalamualaikum everyone. Assalamualaikum everyone. आपको मना है क्या? Assalamualaikum. French fries खाते हैं. This is me Bia और ये मेरी पूरी छोटी सी गैंग है. अभी हम पहुंच चुके हैं लाहौर. मतलब हम लोग वैसे ना कल रात को लाहौर पहुंच गए थे, लेकिन मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं रात को व्लॉगिंग करूं, क्योंकि मैं वैन में सो गई थी. और फिर उसके बाद मुझे आके इतनी नींद आई थी कि मैं अपने बैग्स वगैरह रखे, उसके बाद मैं बस सो गई थी. और अभी ना मतलब मैं शाम में उठी हूँ, मैंने चेंज करा है और क्या कहते हैं शावर वगैरह लिए, फ्रेश हुई हूँ. और अभी हम लोग निकले हैं कुछ खाने के लिए बाहर. क्या खाना तुमको? और दूसरा, हमारे अपार्टमेंट के बिल्कुल नीचे ही ना फ्रेंच फ्राइज वाले अंकल बैठते हैं, तो ना वो हम लोग को ना उसकी खुशबू तंग कर रही है. हम लोग बहुत जोर से भूख लगी हुई है, लेकिन हम ढूंढ क्या आ रहे हैं? फ्रेंच फ्राइज मैकडी देख लो, अभी यहाँ से 50 वाले खिला दो, नहीं तो मैकडॉनल्ड के खिलाने पड़ेंगे. हम ना मैकडॉनल्ड्स की स्पेलिंग सुनाओ पहले तुम मुझे. MCD. हाँ, और अभी ना फिलहाल हम जा रहे हैं खालिद और अनमता को लेने के लिए, क्योंकि ना अनमता का फ़ोन ख़राब हो गया था, तो अनमता का फ़ोन सही करवाने के लिए गए हुए हैं खालिद अनमता के साथ ही ना, तो बस उन लोगों को लेंगे. फिर हम लोग जाएंगे कुछ खाने. वैसे हम कुछ खाने के लिए निकले कि हम लोग वॉक करने के लिए निकले हैं, लेकिन निकले तो ऐसे ही हम कुछ खा भी लेंगे. जहाँ फ्राइज है ना, वहाँ मलाई बूटी समोसा भी है, तो हम वो खाएंगे रात को. ओके, रात को नहीं, अभी खाते हुए जाएंगे. ठीक है चलो, कुछ और खाएंगे, कुछ बना के. हाँ, कुछ बनाने वाले. हाँ, कुछ बनाने वाले. मैं सोच रही हूँ, मैं ना चाइनीज मत बनाना, वो बार बार भूखे. चाइनीज नहीं, मतलब ऐसे हारे बना के खिलाएगा मैं पास्ता. ठीक है ना, हारे से पहले कमिटमेंट कर ली थी मुझसे, फिर मुझे नहीं खाना. नहीं करी थी ऐसे, मुंह से बोलो, मुंह जबान नहीं है, जबान फ्रीज हो गई है क्या तुम्हारी? अभी मैं आपको बनाकर खिलाने वाला हूँ व्हाइट सॉस पास्ता, उसके साथ आपको मैक्रोनी, उसके साथ आपको दूसरा अल्फ्रेडो पास्ता भी खिला देंगे. ठीक है बना लिया इसने, मैंने देख लिया. अगर हमारा ये कि हम लोग ग्रॉसरी कर लेंगे और हम लोग ना बना लेंगे. इन लोगों की ना लड़ाई चल रही है, क्योंकि हमने ने बोला कि लाहौर वाले मैं पागल समझ रही हूँ, क्योंकि हम लोग इतने पैक्ड हुए हैं, क्योंकि हम लोग सर्दी से आए ना, तो फिर हमें यहाँ पे भी सर्दी लग रही है. अभी ऐसे में गर्मी लगनी चाहिए, कि हमें यहाँ पे भी सर्दी लग रही है. तो ना हरे सौर हमने की बात तो ये ना आए हैं, नहा तो लिया था, तो 4 दिन बाद नहाई हो, मैं नहीं बता रही थी. तो मैंने कहा कि आपकी तो कोई एक गंदी जैकेट, दो गंदे मोजे पड़े हुए, आज जाके नहाए. आज भी इनका कोई मूड नहीं था, बोल रहे थे कि क्या जरूरत है नहाने की. हाँ, नहाने मेरे सामने की बात है नहाने के लिए गया. सही है, निकल के बोलते हैं अगर मैं नहीं नहाता ना, मेरी बेइज्जती करते तुम लोग, इसलिए मुझे नहाना पड़ा मजबूरन. इसकी हरकतें नहीं खत्म होती. हमने पूरा आइसक्रीम का ठेला लेके भाग लिया. हम ना कहाँ जा रही हो रोड पे? अंकल ये खड़े हुए और ये जा रही है. हमने बस चलो अंकल बोलेंगे बेटा. हम ना कैसी हो यार तुम? हम ना देखो, मैं आप लोगों के लिए भी उनको बता रही थी, वो नहीं पता. हमें खालिद मिल गया, अभी हम खालिद को लेने के लिए. पराठा रोल प्लीज, फ्रेंच फ्राइज पराठा रोल. खाने के अलावा कुछ सूझता है ना तुम्हें? और चिकन शवारमा, अंडा, खड़ा हुआ है करा लिया आपने फोन से? फोन नहीं है, फोन खराब है, फोन तोड़ दिया. फोन जो है पता नहीं क्या उसमें मसला आया हुआ है, हीट अप कर रहा है कुछ, ये मसले हो रहे हैं. किसके फोन में तुम्हारे? ये अनंत के फोन में. आ जाओ अनंत, तुम्हारा नहीं पूछा अभी. अभी पूछने की बारी आई नहीं है. नहीं ना, टाइम लग रहा था. अभी टाइम है कि निकल रहे हैं? नहीं, वो पैक कर रहा है, बोला नहीं होगा. सही चांस है तो खुलेगा. हो गया सही? नहीं, फिर क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ना कंपोनेंट्स दूसरे लगाने पड़ेंगे, या तो लगाने पड़ेंगे कंपोनेंट्स, या तो बिल्कुल सही हो जाएगा या बिल्कुल ही चला जाएगा. तुम्हारी बैटरी चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि 70% तो होती तुम्हारी. 80% बैटरी चेंज करनी ही नहीं है, तुम्हारे जैक में मसला है. अनमता का फोन नहीं सही हुआ, इसका प्रोग्राम बढ़ गया है. तुम्हारा क्या मसला है? सही होगा या मेरा मोबाइल से मैं यहां डिस्कस नहीं कर सकती, ऐसा कुछ है नहीं. कहां जा रहे हो? वापस आओ, रोल पराठा खाएंगे. आपका क्या मसला है? मेरा फोन नहीं चल रहा. आपका क्या मसला है? आपके टांगों का इशू लग रहा है. लगी है इसके ना पाँव में चोट लगी हुई थी, ठीक है, और वो उसने पानी में भी घुस गया, बर्फ में भी घुस गया, मिट्टी में भी घुस गया, उसने कुछ नहीं छोड़ा. चलो
क्या जख्म को कीचड़ बना चलो चलते बताओ हमारे अपार्टमेंट के एकदम नीचे फ्राइज वाले अंकल बैठे हैं ना उनके पास बड़े मजे की चीज है पहले क्या हम पहले पराठा रोल खाएंगे पराठा रोल मतलब रोल मतलब चिकन चटनी रोल ना तो पराठा जी हमारा पराठा हम ना खाने जा रहे हैं हम ना खाने जा रहे हैं सीधी चलो शुरू हो गई इसकी भाई आज ना मेरे बदले की व्लॉगिंग खालिद करेगा ठीक है क्योंकि ना रात का ऐसा सीन था मैं सो गई थी ये लोग बाहर निकले हुए थे खाना खाने के लिए मतलब लेट नाइट ना तो मैं सोई हुई थी मुझे नहीं पता था तो खालिद ने ना बड़े अच्छे अच्छे व्लॉग बनाए थे मैं फोन दूंगी खालिद को और खालिद करके दिखाएंगे मैं व्लॉगिंग पराठा रोल ये लीजिए खालिद चलो वेलकम बैक टू माय व्लॉग हम कहाँ जा रहे हैं अभी हम जा रहे हैं पराठा रोल खाने तो यहाँ पे सब कुछ बंद है ये रहा है कराची क्या ये तो अच्छा कराची कराची क्यों लिखा हुआ है फिर चलो मैं तो ऐसा कंफ्यूज हो गया तो तुम करो कंटिन्यू मैं जरा कंफर्म करता हूँ लाइए दीजिए खालिद कंफ्यूज हो गया थोड़ा कि हम कराची में कि लाहौर में तो चलें अब चलो अब सीरियस वाला कुछ खाने चलें अरे क्या खाने आए हो तुम मैं मेन्यू देख लूँ पहले कहाँ आए हो खाने लेकिन मैं हम कराची है लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कि हम कराची में है लाहौर में कहाँ पे है वैरायटी है ना लेकिन हम पराठा रोल खाएंगे मैं पहली बार सुन रही हूँ पराठा रोल क्या मतलब नान रोल भी होता है तंदूरी रोटी में होते हैं इसका क्या मतलब है ग्रीन चिली क्या खाना है चिली कबाब चीज चिकन मायो चीज गाड़े रेड चिली चीज रोल रेड चिली मायो चीज रोल चार नाम और लगा दे रेड चिली स्वामी रेड चिली चीज रोल ठीक है आप लोगों क्या है डिसाइड करो देखो नहीं डिसाइड हो रहा है फाइनली मेरी बात मानी गई और हम लोग पराठा रोल खाने आए हैं कल रात गलती से हारे थे लोगों को प्याज खाए थे हमें ऐसा अजीब केमिकल्स की बू आ रही थी एटमी केमिकल्स थे ठीक है ये भी मेरा डिसाइड हो गया क्या खा रहे हो आप चिकन चीज रोल ठीक है चीज लपेट के ऐसे मुझे भी कुछ ऐसे ही खाना है मुझे मायो रोल कुछ खाना है मायो रोल खाने ने बोला था एकदम चटनी अच्छी होगी ना देखते हैं अभी थोड़ी गर्मी एक जो है ना वो चिकन मायो चीज रोल है चिकन मायो चीज रोल नहीं चिकन मायो गार्लिक रोल है ये वाला सिक्स नंबर है ठीक है तुम लोग क्या है चीज एक है चिकन चीज रोल एक चिकन चीज है ना ये ज़ैनब का है मेरा है तुम्हारा क्या है चिकन बिहारी चीज रोल और खालिद खालिद और मैंने ना एक स्कीम चलाई है कि हम ना दो चीज़ें मंगा रहे हैं अलग अलग सही है खालिद मैं चिकन जिंगर बर्गर और तुम कौन सा रोल था मेरा रोल है इसका बर्गर है तो हम लोग ऐसे हाफ हाफ शेयर करेंगे ठीक है खालिद ओके उन लोगों ने देखेंगे ये लोग हमें खाता हुआ देखेंगे बर्गर ये अब हम सबका खाना आ गया है खालिद सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड है ठीक है खालिद सिर्फ आधा 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 रोल ठीक है तो शुरू करते हैं हम खाना क्योंकि खाना खाते हम ब्लॉग नहीं करते तो हम खाना खाने के बाद आगे ब्लॉग करते आप लड़ लो पहले कोल्ड ड्रिंक है प्यास लग रही है इतनी पानी ला दें और कोल्ड ड्रिंक कौन सी पीनी है यहाँ से फ्री हो गए खा के अब हम जा रहे हैं पॉप्सिकल्स खाने क्योंकि हमने की फरमाइश है ठीक है और ना मैंने अभी भी फ्राइज खाने हैं मेरा बड़ा दिल कर रहा है सुबह से फ्राइज खाने का लेकिन मुझे सुबह फ्राइज मिले नहीं थे तो अभी ना अपार्टमेंट के नीचे फ्राइज वाले अंकल हैं तो वहाँ से फ्राइज खाएंगे आ जाओ यार और रात में जो है ना ऐसी ना कि अभी हमने ग्रॉसरी करने भी जाना है क्योंकि हम रात में हम सब मिल के जो है ना खाना बनाएंगे खुद ही क्योंकि हम ना बाहर खा के थक गए हमें घर का कुछ खाना मतलब कढ़ाई वढ़ाई ये सब खा के ना थक गए तो हमें घर का कुछ खाना तो हम घर पे कुछ अच्छा सा बनाएंगे ठीक है तो भी हम सब ना आपको बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि ना सब ने आपको बातें बतानी है बहुत सारी अभी थोड़ा सा चीख रहे थे सुबह ऐसे करते
रोना आ रहा है। सोफी सब आपको मिस कर रहे हैं हम ना, बस अपार्टमेंट जाएंगे फिर हम कॉल वॉल करेंगे, सोफी से बात करेंगे, पूरे दिन का रूटीन बताएंगे क्या था क्या नहीं था, कैसा था कैसा नहीं था, सबकी शिकायतें लगानी है, मेरे तुम सब सब्र कर दो। हम सब यहाँ पे खड़े होकर आइसक्रीम खा रहे हैं क्योंकि क्योंकि नन्नू ने ना हमें आइसक्रीम दिलाई है। थैंक यू। मैं तो खा ली है। चीयर्स। मेरा ये इसकी ना पहले वो खा लो ऊपर से चॉकलेट चॉकलेट वाला, फिर उसके बाद क्या कहते हैं ना इसके अंदर वाला वनीला आइसक्रीम तो हमने खा ली, लेकिन फ्राइज वाले अंकल बंद खत्म हो गए हमारे पॉस्टर पर। फ्राइज वाले अंकल बंद है, बंद है ना। क्यों अरे तुम कितने तेज हो यार, कितने तेज हो। ये सुनना चाह रहा था ना असल में। चले ऊपर चले, कार्ड वगैरह खेलते हैं। यहाँ पे ना लिफ्ट खराब है तो हमें पैदल चल के जाना पड़ता है थर्ड फ्लोर पे। कसम से मैं पूरे ट्रैक के बाद में अब चलना नहीं चाहती हूँ कहीं, लेकिन चलना पड़ता है। इन लोगों में से कोई मुझे गोद भी तो नहीं उठा के लेके जा सकता, सब ने गिर जाना है ना। देखो हम एक नहीं, हम दोनों गोद में उठा सकते हैं। कौन कौन उठाएगा, आ जाओ। क्या मतलब ये ना उठाने के बहाने इसके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये इन लोगों ने आते के साथ ही इसको इतना गंदा किया। क्यों? हाँ सोफी आरएस ने मेरे हेडफोन्स तोड़ दिए, पूछ लो इससे कॉल करिए। इसको छोड़ना नहीं, इससे निकलवा के रहूंगी मैं। घर से सर्दी हो रही है। अब ना हम आ गए घर ना, ठीक है अब हम खेलेंगे। अब हम खेलेंगे कार्ड्स। ठीक है आ जाओ कार्ड्स लेकर। आओ तो हम कार्ड्स वगैरह खेलते हैं, फिर उसके बाद हम आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। 12 o'clock midnight हम लोग अपार्टमेंट में आ गए थे, उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट करा, फिर उसके बाद अब हम लोग वापसी निकल गए क्योंकि हमें सुकून नहीं है और हम खाना खा रहे हैं तो हम खुद बनाएंगे खाना, क्योंकि हम शायद ग्रॉसरी करने जा रहे हैं अभी। वैसे तो ना मार्ट तो बंद हो गया, मार्ट तो बंद हो गया ये वाला, तो छोटी छोटी शॉप्स खुली। तो मे भी हम लोग अभी खाना ले लें बाहर से, या फिर हम लोग जो है ना यहाँ से कुछ ले जाएं जो हम घर जाके बना लें, तो अभी देखते हैं। हारिस डिसाइड करेगा क्या करना है। हारिस घर से खाना मतलब बाहर से खाना लेना है पका पकाया कि बनाना है। आज बनाते हैं। चलो सामने वाला मार्ट खुला हुआ है, देखो किचन है यहाँ पे। हाँ किचन है, सब दिया हुआ तो है। चलो लेट्स गो, सामने वाला मार्ट खुला हुआ है, वहाँ जा रहे हैं। हम लोग का डिसाइड हुआ है कि हम लोग जा रहे हैं सामने ग्लोरिया, मतलब हमारे मतलब अपार्टमेंट के करीब ही जो है ना मैकडॉनल्ड्स और ये सब चीज़ें बनी हुई हैं, तो भी हम लोग का डिसाइड हुआ है कि हम वहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि ना हम सबका ना पास्ता खाने का मूड है। और अभी ना जहाँ से हमने ग्रॉसरी करनी थी ना कोई बंद हुई, और जहाँ से हम लेने गए ना ग्रॉसरी तो वहाँ पे ना वो चीज़ें नहीं थी। नहीं कोई मार के जाता मुझे तो वहाँ पे ना वो चीज़ें नहीं थी, तो इसीलिए हम पका पकाया ले रहे हैं अभी तो। लेकिन कल दोपहर में जाके या कल सुबह में जाके हम लोग ग्रॉसरी करेंगे। बड़ा चलने के बाद हम पहुँच गए हैं ग्लोरिया, और अभी हमने वाकई चलते हुए जाना है। आधे लोग आ गए हैं, आधे लोग पीछे रह गए हैं चल चल के। हम ना वाई आर यू सो सैड, आई वांट टू हैव पास्ता एंड कॉफी, सैड ही रहो। द नेक्स्ट डे अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी बिया, आई वांट स्लीपी बिया, दिस इज मी हारिस। बस दिस इज तो खैर गुड मॉर्निंग। और अभी जो है हम रात मतलब जो मैं रात को ना आके सो गई थी, और अभी हम लोग सुबह निकल रहे हैं खानपुर डैम के, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्लिपी हो रही हूँ, कि मुझे बहुत नींद आ रही है। और सुबह सुबह इन लोगों ने मुझे ऐसे उठा के 6 बजे जो है ना बोला चलो शुरू हो जाए अभी। बस खैर अभी लोग निकल रहे हैं, मैं पूरा रास्ते बीच में सोने वाली हूँ, मैं अपना फ़ोन किसी को दे दूँगी ब्लॉगिंग के लिए, तो जो भी होगा बीच में आप लोग सारी अपडेट मिलती रहेंगी। और बस फिर पहुँच के जो मैं एक्टिविटीज़ वगैरह करूँगी, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, फिर हमारे आगे के प्लान्स हैं तो फिर मैं आप लोगों से वो शेयर करूँगी। तो लेट्स गो। हमारी ना वेन्यू जैसे पहले से खड़ी हुई है जी। यार मेरा सामान पीछे रख दो, मैंने सोना है। हाँ जी
पीछे रख दो सामान पीछे डाल के चीजें बच्चों को सोना है ना ये वाला सामान बच्चों का सामान पीछे ही रख बच्चे आपने पीछे जाके सोने हां मैं सोने चलो फिर मैं हम ये चीजें आके रख कुछ जानी पहचानी वैन लग रही है लग रहा है सेम टू सेम वही हां वही वाली है मैं यहां बैठूंगी अंकल ये वही है जहां बैठना बैठ जाए मेरा फोन आपके पास है ना आप जगह तो दो मुझे आगे चलो मैं पीछे सोऊंगी स्कूल से आज तो अभी बच्चा सो रही है सो मैं बच्चों की जगह ब्लॉग करती हूँ और हम लोग अभी खानपुर के रास्ते में और रास्ते में इतनी ज्यादा कोई फॉग है और वेदर बहुत खराब है हम अभी लाहौर से निकले नहीं है मतलब रास्ते में हाईवे पे है बहुत ही ज्यादा खराब हुआ है मेरा दिमाग भी खराब हो रहा है आपका दिमाग भी खराब हुआ है मेरा दिमाग इसलिए खराब हुआ है क्योंकि हम होटल में हैं और जा नहीं सक रहे हाँ बहुत बैठ सीने देखो सब वापस आ रहे हैं यार वैसे जब सोफी ने रात को ड्राइव किया था तब आसानी से कर लिया था यहाँ पे भी हम चले जा रहे हैं चले जाएंगे वैसे क्या कहते हो अंकल ले जाएंगे हाँ ड्राइवर अंकल ले जाएंगे हमें ठीक है ओके बाशु क्या लगता है आपको चले जाएंगे यार ट्रैफिक हाँ लो भाई बाकी हम आपको अपडेट करते रहते हैं बहुत ज्यादा ऑफ सीन हुए हैं एंड फायर कुछ भी नजर नहीं आ रहे हम जस्ट रिस्क पे जा रहे हैं अभी अब तो हम जीटी रोड से जाएंगे ना वहाँ से रूट पकड़ रहे हैं तो मेरी सुबह हो गई है मैं गाड़ी में बैठते के साथ ही सो गई थी जी जी, और अभी जो है हम लोग चढ़े हैं मोटर पे क्योंकि हम लोगों ने आना मतलब हम लोग जा रहे थे कानपुर डैम और बीच में जो रास्ता बंद था मोटर पे बंद किया हुआ है उनकी वजह से तो अभी हम लोग जो है जीटी रोड से क्रॉस करते 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 हम चढ़े हैं मोटर पे अब हम बस हमारे एक घंटे का रास्ते रहे नो डेडी मिल हम लोग फाइनली पहुंच गए कानपुर डैम और रात में ना मेरी मतलब रात में नहीं मतलब वैन में ना मेरी आँख लग गई थी वापसी मुझे बड़ी नींद आई हुई है तो खैर अभी ना हम लोगों ने पूछा एक्टिविटीज़ का कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं और हम जा रहे हैं सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए लेट्स गो अभी किस में नहीं नहीं सोफा ट्यूब कराएंगे वो हमें उन्होंने बोले सोफा ट्यूब पे नहीं गिरते और क्या कहते हैं ना हम जा रहे हैं सबसे पहले पैरासीलिंग के लिए बोट पे बैठ के इस बोट बैठना है हम लोगों ने जल्दी जल्दी चलो पहले हम लोग बोट में बैठ के जा रहे हैं दूसरे जी जी आराम से जाते हैं आप फिक्र ना करो बैठ भी जाओ तो लोग जल्दी जल्दी बैठ ही नहीं पा रहे हैं लोग सब इधर ना सेफ्टी जैकेट पहन रहे हैं और मैंने अभी तक सेफ्टी जैकेट नहीं पहनी है पहनने वाली हूँ लेकिन हम दोनों नहीं पहनेंगे हमारी बोट निकल पड़ी है अभी हम लोग जा रहे हैं वो वाले ना आइलैंड पे क्योंकि हम लोगों ने वहाँ से पैर सीलिंग करनी है तो स्लो स्लो चल ही रहे हैं अभी तो ये बोट लग गई है पार्किंग पे और हम उतर रहे हैं बोट में छोड़ दें ठीक है मैं अपना बफर रख देती हूँ ना बोट में फिर ऊपर चलते हैं यहाँ से हम पहुँच गए दूसरे आइलैंड पे और आर यू गाइस रेडी यस ये हम लोग बिल्कुल ऐसे करते हैं आशु आप रेडी हो आप करने वाले हो ना ये कहाँ पर है भाई जी जिस जिसको डर लग रहा है ना सबको सबसे पहले कराऊंगी आप बोट में बैठो और वापसी निकल जाओ चलो साहब आप बैठने में डर लगेगा चलो भाई चलो चले सबसे पहले हारिस जा रहा है और फिर उसके बाद मैं जाऊंगी तो हम दोनों ना अपना सेफ्टी जो पहनाते हैं ना ये सारी चीजें पहना रहे हैं हमें डर लग रहा है किन को हारिस को हाँ हारिस को डर लगा हुआ है पहले बोल रहे हैं आप जाए पहले क्या भाभी क्या आप तो दिख भी नहीं रहे हो इतने काले आ रहे हो मैं नहीं जा रहा यार जाना है और कोई ऑप्शन नहीं है हाँ जी बांधने लगेंगे मेरे गाइस रेडी होने लगी है यहाँ पे फिर सीधा पकड़े ना इन दोनों को पकड़ के यहाँ से आपने रनिंग कर लिया ऊपर जाके दोनों हाथ छोड़ दे ठीक है एंजॉय करें लैंडिंग पे जब इधर आके आपको आवाज मिलेगी राइट खींचो आपने इस व्हाइट वाले बेल्ट को दोनों हाथों से नीचे तो गाड़ी मलोक रहा था बताएं एक बार दोनों हाथों से ओ भाई ओए दोनों हाथों से इसी को मैडम ओ भाई वो आर्मी हुआ है रसा रे भाभी भागते हुए जाने साथ दोनों हाथ से पकड़े हाँ जी आपको कैसा लग रहा है डर लग रहा है कि बोल रही
पता नहीं किसको खींचना है, उसमें थोड़ा डर लग रहा है बस, बाकी सब बहुत मजे के। किसी को मेरे नीचे ना आ जाए बिना ज़ैनब करके आई है, तो मैं ज़ैनब का एक्सपीरियंस पूछूंगी कि ज़ैनब का मज़ा आया कि नहीं। ज़ैनब कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा था, मैं दिल्ली नहीं गया था नीचे आने का, पता नहीं क्यों आ गई तो फिर ऊपर ही चली जाती ना। अब ना अनंता आने लगी है नीचे, अनंता से पूछूंगी उसका एक्सपीरियंस। अनमता कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस? बहुत मजा आया। तुम तो बेटा झूल, मैं वापस जा रही हूँ, बच गई तुम तो पूरा झूल गई थी। कैसा था हारिस? आई भाभी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मजा आया लेकिन बहुत खतरनाक था। जाते हुए थोड़ा डर लगा था ना, वापसी आते हुए कि कब खींचनी है वाइट वाली रस्सी, समझ नहीं आया था मुझे भी। कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस? डर भी लगा लेकिन अच्छा था, मजे का था। ये भी सही है। हम लोग जा रहे हैं सोफा ट्यूब करने के लिए, मतलब पैरा सीलिंग, मुझे बहुत मजा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। और बात में उजड़ी भी लग रही हूँ एकदम, मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि बहुत थकी हुई थी, मैं रास्ते में सो भी गई थी तो मैं दिन थोड़ा ऑफ ऑफ था, लेकिन यार मुझे बहुत मज़ा आया। अमना का ना मूड हो रहा है बनाना बोट करने का, लेकिन ना उन्होंने मना किया, उन्होंने बोला इस टाइम ना मतलब सर्दियों में नहीं कराते पानी ठंडा होने की वजह से, तो गर्मियों में करा सकते हैं। हमने बोल रही है मैंने कर रही है, मैंने करनी है, हमने पानी में गिर जाए। तुम्हारे पास कपड़े रखे हुए हैं एक्स्ट्रा? कर लेते हैं, प्लान ये पूरी प्लानिंग के साथ आई हुई है। सच में मैंने कहा पानी में जा रहे हैं तो स्विमिंग करने में बड़ा मजा आता है। अभी तो मैं यहीं से फेंकती हूँ, सबर करो, चलती कश्ती से नीचे फेंकूंगी तो मैं सब। एवरी नाइट इन माय ड्रीम आई सी यू। आ जाओ जल्दी, ये हमारी कश्ती वापसी चलने लगी है। लेट्स गो, वहां पे जाके देखेंगे दूसरी तरफ। हम यहां पे पैर सीढ़ी के लिए इस तरफ आए हुए हैं, गिरने चाहिए, गीले गीले हो जाएंगे। हारिस और मैं बने जा रहे हैं सोफा बोर्ड, ठीक है? हारिस नहीं मान रहा था, तुमने बड़ा फोर्स दिया कि हारिस चल मेरे साथ, इसके बाद फिर मेरी बारी होगी फौरन फ्री। हाँ सोफा का है, सोफा आ रहा है बोल रहे हैं। ओके सोफा बन के आ रहे हैं लेम। ओके बस गिरे तो बहुत ही गंदा हाल होगा आपका, एकदम गीले गीले हो जाओगे। हमारा सोफा, आ जाइए आइए आ जाइए हारिस, चलिए। पानी में नहीं गिरेगा? नहीं गिरता, इसकी हालत देखने से लग रहा है पहली फुर्सत में गिर जाएगा। नहीं गिरता। डर लग रहा है ना आपको, गीले विले हो गए ना, कोई कपड़े अपड़े नहीं देगा, नहीं होते करना है ये। ओके हारिस और मैं जाने लगे, लाडा उड़ा दो इसको, चलो ले आना इसको उड़ा देना। ओ बाकी फोन तो जाएगा, गिरते तो नहीं है ना, तो अपना फोन ले जाओ। यो चल कैसे रहे? हां फोन जाएगा। अच्छा आ गया, तुम भी जा पूछे ऐसी मगर अल्लाह, लग रहा है संजीव अलग ना हो गए। दे आ ये बजे कैसे चलती हुई आ रही है, हम भी जा रहे हैं। कोई खौफ वगैरह? लो जी क्या हाथ क्या मिला रहे हो बच्चिया, जोर लगा के तो ना। कोई बेस्ट एक्सपीरियंस था मुझे, मुझे पैरासीलिंग से ना ज्यादा मजे इसमें आया है। नहीं हारिस बहुत मजा आता है, हारिस और मेरी बीच में ऐसी हो गई थी, हमें लगा हम उलट जाएंगे, लेकिन बहुत मजे का था। कैसा एक्सपीरियंस था हमने तुम्हारा? बहुत मजे का, दिल ऐसे लग रहा था गिर जाएंगे अभी, लुढ़क पड़ेंगे। अरे पैरासीलिंग से ज्यादा मजा आया ना इसमें, राउंड लिया हुआ पूरे घूमे हो गया ना। अभी ज़ैनब और ना पाशु भी आ गए, अब हम इनसे ये पूछने वाले कि इनको कैसा लगा। ध्यान से
कैसा था, कैसा था जैनब? दोनों अपने एक्सपीरियंस बताओ। लेकिन ये पैरासीलिंग ज्यादा अच्छा था ना, उससे बहुत अच्छा था। अभी अनमता आ गई, अनमता कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस? मजा आया कसम से, बेस्ट था, बेस्ट। खालिद कैसा था? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। कहाँ पानी गया? होटल में पानी चला। मेरे मुंह पे एकदम ठंडी ठंडी हवा पड़ी, मेरे मुंह पे पानी के ट्रेन से वो आ गया। तो हम लोग फ्री होने के बाद कानपुर डैम से घर आ गए थे, क्योंकि रास्ते में से हमारा प्लान था पेशावर जाने का, लेकिन हमें बहुत टाइम लग जाता है तो वापसी आता है, तो इसीलिए हम वापसी घर आ गए। तो मैं पूरा टाइम रास्ते में सोती भी आई हूँ, इसीलिए मैंने आगे का ब्लॉग नहीं किया। तो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आप लोग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, और टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मैं सो रही हूँ।